नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जो कम्प्लीटली फ्री हो लाइफ टाइम के लिए, प्लस आपका अगर कोई भी क्रेडिट स्कोर जनरेटेड नहीं है अब तक, या फिर आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, या फिर आपके पास एफडी कराने तक के पैसे नहीं है, क्योंकि मिनिमम 10,000 रुपीज की एफडी कराने की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको एक कार्ड चाहिए, मतलब वो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है, कोई एफडी कराने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, कोई भी बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है, बाकी कोई भी चीज जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन का लुक कुछ ऐसा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कार्ड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल कोई सा भी कार्ड नहीं है, जनरली स्टूडेंट्स के पास कोई क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होता, कारण होता है क्रेडिट स्कोर जनरेशन नहीं होता, लोन्स नहीं होते, या फिर किसी टाइप का इनकम नहीं होता, तो इनकम प्रूफ चाहिए होता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए आपको, और सिबिल जनरेटेड नहीं होता, तो क्रेडिट कार्ड जनरली अगर आप अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में तो नहीं मिलने वाले। और अगर आपको कार्ड चाहिए तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसके लिए आपको एक अमाउंट एफडी करानी पड़ती है, फिर एफडी से थोड़ा कम अमाउंट तक का क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड मिल जाता है, जनरली 8 मंथ कोटक की तरफ से आने वाला, प्लस आईसीआईसीआई का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड है। एफडी से मिलने वाले सारे क्रेडिट कार्ड का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लस आईसीआईसीआई का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और कोटक 811 क्रेडिट कार्ड, जो कि दोनों एफडी से आते हैं, बहुत पॉपुलर है, उनका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अनबॉक्सिंग के साथ में लाइव अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर चुका हूँ। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है रेड कार्पेट एप्लीकेशन, आपको अपने फोन पे डाउनलोड करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड डालना है, और एक ही मिनट में आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आप एलिजिबल होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए कार्ड अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होते ही इंस्टेंटली आप डिजिटल कार्ड का यूज कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड कंप्लीटली फ्री है, वो कुछ दिनों में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, जो एड्रेस होगा आधार कार्ड के ऊपर उस पर ही। तो कार्ड ये रूबी कार्ड है, बहुत ही मतलब समझ लीजिए हाईएस्ट प्रीमियम वेरिएंट का कार्ड है, तो जनरली ये उनको ही मिलता है जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, प्लस मतलब कोई क्रेडिट स्कोर में डिफॉल्ट ना हो, जनरली उनको मिलता है। तो ये तो आप भूल जाइए, बट यस अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर अगर आपका 750 प्लस है, तो 100% आपको कोई भी मोस्ट प्रोबेबली कार्ड मिल ही जाते हैं, स्पेशली ऐसे कार्ड डिजिटल कार्ड तो 100% आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी कार्ड अप्लाई करके ट्राई कीजिए, आप पे लेटर सिस्टम अप्लाई करके देखिए, 750 अब क्रेडिट स्कोर पे इजिली आपको वो मिल ही जाता है। सिंपल थिंग है, आपको 45 डेज तक का इसमें मिल जाता है, हर एक तारीख को इसका जो है बिल जनरेट हो जाता है, एक से लेकर के फिर 15 तारीख तक आपको मिल जाता है, उस बीच में आपको पेमेंट करना होता है, हर महीने की 1 तारीख आपको बिल जनरेट हो जाएगा। डेट चेंज करना अलाउड नहीं है इसमें, कुछ परमिशन से मांगता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपको अलाउ करनी है, और ऐसा कंपनी क्लेम करती है कि कहीं पे भी आपका डेटा लीक नहीं करेंगी, शेयर नहीं करेंगी, कंप्लीटली सेफ है इनके पास में, और इनका यूज सिर्फ वैलिड चीजों के लिए किया जाएगा। पूरा कार्ड का कंट्रोल, क्योंकि कार्ड वीजा की तरफ से आता है, तो पूरा कार्ड का कंट्रोल जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, हर एक चीज की डिटेल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्लीट बिल ड्यू हो, मिनिमम अमाउंट ड्यू हो, मैक्सिमम अमाउंट ड्यू हो, कितने ईएमआई, और सारे अमेजिंग ऑफर्स और डील्स मिल जाते हैं इनके पार्टनर्स के साथ में, जिनके साथ मैंने टाइप कर रखा है उस पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारी चीजें। कार्ड को रीलोड करना भी बहुत ईजी है। एक्चुअली इसके अंदर रीलोडिंग का सिस्टम क्या होता है कि आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में डायरेक्टली बैलेंस जमा कराते हैं आप क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, बट इसमें क्या होता है कि आप पहले इनके ऐप में पैसा डालते हैं, फिर ऐप से क्रेडिट कार्ड में लोड करते हैं, तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, मिनिमम कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू कंप्लीटली खत्म हो जाता है, अगर आप उससे मतलब समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ पे रीलोड वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि आपको एक्चुअली में पहले एक वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं जो इसके एप्लीकेशन के अंदर आता है, फिर उससे आपको कुछ लिटिल चार्जेस देकर के 1 से 3% के बीच में वो चार्जेस देकर के फिर आप इस कार्ड को मतलब इसका ड्यू क्लियर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, बट यस अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर बिल्कुल भी जनरेटेड नहीं है, और अगर आप इसको लेते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा सिविल स्कोर डेवलप करने में भी, अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी डेवलप नहीं है अब तक, तो ये उसके लिए भी हेल्प करेगा आपको। तो मतलब समझ लीजिए उसका आपने एक छोटा सा चार्ज दे दिया, तो इट्स नॉट एन इशू आई होप, क्योंकि छोटे मोटे 100-150 रुपए चार्ज देकर के आपको सिविल स्कोर जनरेट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अगर आपका सिविल टाइम टाइम इंप्रूव हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट मैं रिकमेंड करूंगा आपको 6 महीने से 1 साल के बीच तक अगर आप उसको यूज करते रहेंगे अच्छे से, बिना किसी टाइप के डिले के, पेमेंट डिले के, तो इजिली आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद तो आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, लाइक अमेजन पे, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, या फिर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड जो आता है वो अप्लाई कर सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स है, रिपेमेंट स्कोर और ये हर चीज कैलकुलेट करती है, तो ये फीचर्स भी अवेलेबल है इसके ऊपर, जाकर के आप इनके ऐप में कंप्लीट डिटेल हर चीज चेक कर सकते हैं। कार्ड के अलग अलग वेरियंट है इनके, तो वो भी यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल है। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको सिंपल ये करना है कि डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, इसका लिंक मैं आपको नीचे इस वेबसाइट का पूरा लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप टू में आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए ऑनलाइन, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं, पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड इज मैंडेटरी दैट ओनली। फिर उसके बाद में स्टेप थर्ड में अप्लाई कर दीजिए कार्ड या पर्सनल लोन, वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी कार्ड या पर्सनल लोन के लिए,
और कार्ड भी एक्चुअली पर्सनल लोन की तरह ही काम करता है, बट यस इंटरेस्ट रेट का बहुत डिफरेंस है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। कार्ड और पर्सनल लोन में बहुत इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है। और स्टेप नंबर फोर जो होता है, आपका जो क्रेडिट लिमिट मिल गई उसके बाद उसको खर्च कीजिए। एक और प्रॉब्लम इस कार्ड के अंदर कि आपको हर महीने अपने क्रेडिट लिमिट में से कुछ ना कुछ अमाउंट यूज करना होगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये रिवर्ट बैक कर लेते हैं पूरी क्रेडिट लिमिट को, फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो 1 रुपए 2 रुपए जितना भी आपका इच्छा हो, नहीं भी अगर खर्च कर रहे हैं तो भी किसी तरह स्पेंड कीजिए कहीं ना कहीं, ताकि आपका रिवर्ट बैक ना हो जाए। चार्जेस के स्केड्यूल की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं, बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल भी जनरेट नहीं है तो उसमें हेल्प कर रहा है जनरेट करने में, तो ये चार्ज इनका बनता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको चार्जेस से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। समझ लीजिए को बहुत ही शानदार एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना बैंक अकाउंट खुलवाए, बिना एफडी कराए, क्योंकि अनसिक्योर्ड भी है, ये भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक्टिवेशन फी 0, मैक्सिमम 3,000, ये जो है कस्टमर प्रोफाइल पे बेस्ड करके मिलता है। आपको ये सारी डिटेल्स आपके साइन अप करते वक्त में बता दी जाएंगी। अच्छा, अगर आपको क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा भी मिल रही है तो उस पर थोड़े से कुछ चार्जेस भी लगते हैं इनकी तरफ से, वो भी चीज आपको अकाउंट खोलते हैं एक्सेबल हो जाएगा। कार्ड की प्रोसेसिंग फी जो होती है, ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, ये चार्जेस का चक्कर ये है। बट ये मतलब समझ लीजिए कि जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बेकार है, बहुत डिफॉल्टेड है, तो उनकी कंडीशन में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम पे आ जाता है। और जिनका सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट है जो कि बहुत ही हाई है, समझ लीजिए 800 है, 850 है, तो फिर आपको सिर्फ इसके मिनिमम चार्जेस पे करने होंगे जो कि मोस्टली 0 है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एटीएम कैश विड्रॉल की फीस से 2% अगर आपका बहुत ही शानदार सा क्रेडिट स्कोर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जनरली क्रेडिट कार्ड यूज करता होगा कैश विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही बकवास आइडिया है और मैं कभी भी आपको इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति के लिए मोस्ट प्रोबेबली सारे चार्जेस 0 है, तो ये भी चीज अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आपको शुरुआत में पे करना भी पड़ रहा है, तो धीरे धीरे अगर आप इंप्रूव कर जाते हैं सारे इनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो ये 0 हो जाएंगे। तो समझ लीजिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका सिबिल भी जनरेट हो गया, अच्छा भी हो गया, और बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में, और फिर उसके बाद में आप 0 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज इनकी अच्छी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी है, बट यस आप चाहें तो इसको देख करके यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट बता दिया, क्योंकि इनके फ्रंट पेज पे ऐसे चार्जेस कुछ लिस्टेड नहीं है। कई लोग ये देखते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो इस चक्कर में ना आए, यहाँ पर डिटेल्स चेक कर लीजिए, ये पूरा कंप्लीट देख लीजिए, रुक करके वीडियो को पॉज करके पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, जहाँ एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज होता है, चाहे एटीएम से कैश विड्रॉ करना हो, चाहे पॉइंट ऑफ सेल पे यूज करना हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो, सब जगह यूजेबल है। तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें कि क्रेडिट कार्ड से लिमिटेड है, कुछ नहीं, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कार्ड का डिजाइन है लुक बहुत ही अच्छा है, फ्रेश है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कार्ड पसंद आया तो चाहिए इसको अप्लाई कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ये सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे ही डिटेल्स लेकर इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।